हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप 90 FPS इन पबजी मोबाइल एमुलेटर यानी कि गेम लूप, ऑफिशियल गेम लूप के अंदर आप कैसे कर सकते हैं ये वाला फीचर इंस्टॉल। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस वीडियो को अगर 1080p में देख रहे हैं तो फिर आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे FPS है। बस इसको ही मैंने बड़ा कर रखा है और आप देख सकते हैं कि 75 हर्ट्स आ रहे हैं क्योंकि मेरा रिफ्रेश रेट है मॉनिटर का 75 हर्ट्स। अगर आपका मॉनिटर रिफ्रेश रेट है 144 या फिर 75 तो फिर आप ये वाली जो है वीडियो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टेप्स देख लिए। अगर आपके पास है 60 हर्ट्स का एक मॉनिटर तो फिर ये वाली जो ट्रिक है ये आपके वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि गेम लूप जो है बहुत ज़्यादा लैग करता है और जो 90 हर्ट्स के ऊपर भी ये फिर भी लैग कर रहा है, मगर ज़्यादा कम से कम ये सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्स के ऊपर ही जा रहा है जो कि प्लेएबल है। यानी कि लैग फ्रेम ड्रॉप्स तो है ही इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनऑप्टिमाइज्ड है, पर ये कम से कम 60 हर्ट्स तक जा रहा है जो कि प्लेएबल होता है। इसमें अभी आपको दिखाता हूँ कि आप 75 या फिर 90 हर्ट्स पबजी मोबाइल एमुलेटर के अंदर कैसे कर सकते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल। तो चलिए गाइस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आपने दबाना है F9 और ब्राउज़र को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है हेक्स एडिटर अप टू डाउन, और अप टू डाउन वाली साइट ऑफिशियल के ऊपर जाके आपने लेटेस्ट वर्जन करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ। ये रहा गाइस हेक्स एडिटर का आइकन और आपने करना है ओपन फाइल। फ्रेंड्स, हेक्स एडिटर को ओपन करके आपको कुछ ऐसा दिखेगा और आपने जाना है SD कार्ड के अंदर और फिर जाना है एंड्रॉइड के अंदर जाके आपको सिस्टम एंड डाटा के अंदर जाना है और टेनसेट IGI के अंदर जाना है, फाइल्स के अंदर जाना है और फिर UE फॉर गेमिंग शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा सेव्ड और फिर दोबारा से आपके अंदर सेव गेम्स के अंदर जाना है और फिर आपने जाना है active.sav के अंदर। एक ऐड आएगी, इसको आपने कर देना है क्लोज और यहाँ पे सर्च बार के अंदर जाके ASCII को ओपन कर टिक करके और आपने डालना है कैपिटल लेटर्स के अंदर FPS और सेव कर देना है। और अब आपने ये देखना है कि 8000000 कहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन के अंदर। अब ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे लिखा होगा 06 आपके, मगर मैंने अभी करके देखा था तो फिर मैंने 07 ही लिखा हुआ है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर लिखा होगा 06। अब इसको आपने टाइप करके कर देना है 07 और यहाँ पे सेव कर देना है वो वाले आइकन के ऊपर। आप ध्यान से देख सकते हैं और यहाँ पे नीचे आ गया द फाइल इज सेव्ड। और अब आपने जाना है बैक और पबजी को कर लेना है ऑन और अब ये आपका जो 75 हर्ट्स वाला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो गेम है वो 75 हर्ट्स के ऊपर चल रही है और आप बेंचमार्क्स देख सकते हैं पबजी मोबाइल एमुलेटर के एट 75 हर्ट्स कि ये कितनी ज़्यादा स्टेबल है 75 हर्ट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, बाकी आपको अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पूरे डायरेक्ट 75 FPS मिलेंगे तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। 60 FPS वाले के अंदर भी नहीं थे और 75 के अंदर भी नहीं है पूरे फ्रेम ड्रॉप्स स्टेबल। बाकी आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जब बहुत ज़्यादा लोड पे आती है, मतलब कि जब क्लोज रेंज के अंदर बंदे होते हैं यानी कि एनिमी होते हैं तब ये कम से कम प्लेएबल है इस समय, पर जब ये 60 हर्ट्ज़ ऊपर थी तब ये 30 FPS तक नीचे चली जाती थी जब क्लोज रेंज के अंदर कोई भी एनिमी आता था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट के इस वीडियो के अंदर ये है कि आप वो बस मैं आपको बेंचमार्क्स दिखाऊंगा कि ये कितनी ज़्यादा स्टेबल है और आप देख सकते हैं। बाकी आप अभी लीव कर सकते हैं इस वीडियो को और आप ये वाली जो वीडियो है इसको आप फॉलो करके आप 75 हर्ट्ज़ अपने गेम लूप के अंदर पा सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।
तो फ्रेंड्स अगर आपके जो गेम है उसके अंदर ये वाली जो ट्रिक है वो वर्क कर जाती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी जो रिकमेंडेशन के अंदर आए मेरी ये वाली वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ 102 ही ऐप सब्सक्राइबर हैं इस समय, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।